गणित में हम लोगों ने ये देखा था कि परसेंट को भिन्न में कैसे बदला जाता है, यानी किसी परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए उसके बटा 100 लिखते हैं या उसका हर 100 लिखते हैं। फिर हम लोगों ने यह पढ़ा था कि अगर कोई भी परसेंटेज हो या कोई भिन्न हो, उसे यदि प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करते थे, हम उसके बटा 100 लिखते थे। क्या लिखते थे हम उसके बटा, ठीक है, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए क्या कहते 100 लिखते थे और किसी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते थे। अब हम उसी के आगे चलेंगे, आज हम एक जो सवाल रिवीजन करेंगे फिर हम नए सवाल बोलेंगे, तो आप लोग तैयार हो जाइएगा, ठीक है। चलिए यहां पे की करके देखते हैं हम लोग। जैसे दे दिया जाए 80 का 40%, 80 का 40%। अगर आपको मेरी जो पढ़ाई की टेक्निक समझ में आई होगी तो धीरे धीरे मैं आपको प्रश्नों की तरफ ले चल रहा हूं। कह रहा है 80 का 40%। अब 80 का 40% मतलब क्या है? अब 80 का, एक मिनट रुकिएगा, बोर्ड बंद हो गया, एक मिनट रुकिएगा। 80 का 40% देखिए परसेंट लगा है, इसका बटा क्या लिखेंगे 100। तो ये जगह ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कट गया, बचा क्या 8 × 4 = 32। जितने लोगों ने 32 बताया था उसमें के जवाब पूरी तरह सही थे। लेकिन अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, मतलब प्रश्न को इस तरह से कर दिया जाए, जैसे कह दिया गया कि 400 का 20% का 20%। अब जरा इसको हल करके बताइए क्या होगा, 400 के 20% का 20%। जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। ये इस तरह के प्रश्न आपको लगातार सीखने हैं, लगातार हल करने हैं। मैं बेसिक से आपको ऊपर की तरफ ले चल रहा हूं। धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते चल रहे हैं। 400 का 20% फिर का 20% कैसे रहेगा, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। भी मैं आपको इतनी ट्रिकी गणित पढ़ाऊंगा, इतना आसान पढ़ा दूंगा कि आप भी कहेंगे वास्तव में गणित एकदम आसान है। लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक का मतलब उन सभी तथ्यों का जहां से प्राय परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जो साथी फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं वो फेसबुक पर शेयर कर देंगे, और जो साथी यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं वो यूट्यूब पर अपने सभी साथियों को शेयर कर देंगे, ठीक है। जो जहां भी देख रहे हैं वहां पर शेयर कर देंगे सभी को। हाँ, आपके जवाब भी आने शुरू हो गए। जी हाँ, लगभग सभी के जवाब आ रहे हैं, सभी के जवाब लगभग लगभग पूरे पूरे सही आ रहे हैं। इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे हमने क्या देखा, 400 का 20% लिखेंगे, 400 का 20% माने 20/100, फिर का 20% फिर 20/100, क्योंकि हमने देखा है का माने गुणा। और जब क्योंकि मैं शब्दावली पढ़ाते चल रहा हूं, क्योंकि जब प्रश्न में बोलूंगा जब आपके सामने शब्दावली आएंगे तो घबराइएगा मत, अरे सर ये तो हमसे नहीं होगा, सर ये तो हमने नहीं पढ़ा। जी नहीं, परीक्षा में शब्दावली सबसे ज्यादा माने रखती है। 400 का माने गुणा 20%, परसेंट माने जिसके बगल में परसेंट का चिन्ह उसका बटा 100। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड करने का काम करेंगे। अभी क्या होगा, 100 100 से क्लियर, मतलब 2 0 2 0 से खत्म। ये लड्डू इससे कट गया, ये लड्डू इससे कट गया। अब बचा क्या, 4 × 2 × 2 = 4 × 8 = 16। जितने लोगों ने 16 बताया था उनके आंसर सही है। लेकिन अब देखिए, अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अब आपने ये निकाल लिया, अभी आपने निकालना सीख लिया। अब अगर यहां पे दे दिया जाए जैसे 1500 या 150% क्या होगा, 150 का 150% क्या होगा, आराम से बताइए, कमेंट करके बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको पूरी मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगी, पूरी तरह से मैं परसेंटेज की गणित क्लियर कर दूंगा और एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। उनको जिनको गणित नहीं आती, जिनको ये डर लगता था कि मैं गणित में स्कोर नहीं कर पाऊंगा, उन सभी के लिए बेहतर है। और मैंने स्टार्टिंग से आपको इसीलिए पढ़ाना शुरू किया है। ये दूसरा दिन है आपका, दूसरा सेशन है, तो देखिए बहुत ही आसान है। जी हाँ, सभी लोग उत्तर सही आ रहे हैं। जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे शेयर कर दें, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं यूट्यूब पे शेयर कर दें। हमने क्या देखा, यहाँ पे इसका हल बहुत ही आसान तरीके से, मतलब 150 का 150%। तो हमने बताया है, हमने पढ़ाया है, जब परसेंट लिख जाए तो उसका बटा क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। ये लड्डू इससे कैंसिल, यह लड्डू इससे कैंसिल, 15 × 15 तो 15 का स्क्वायर 225। तो जितने लोगों ने 225 आंसर बताया है उन सभी के आंसर पूरी तरीके से सही है, उनके जवाब पूरी तरीके से सही है। अब किसी कोई समस्या, किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। अंततः इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर करते रहेगा। अब हम प्रश्न का स्तर बढ़ा रहे हैं, अब हम प्रश्न का स्तर बढ़ा रहे हैं। अब मैं प्रश्न कठिन पूछना चाह रहा हूं, क्या आप लोग तैयार हैं? अब प्रश्न को थोड़ा सा कठिन कर रहा हूं, धीरे धीरे कठिन स्तर बढ़ाऊंगा ताकि जिनको गणित नहीं आती वो सीख ले और जिनको आती है उनकी प्रैक्टिस हो जाए।
क्योंकि हमें तो सबको लेकर चलना है। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, इसके स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। अब हम लोग जो पढ़ना है ध्यान से देखिएगा, 0.4 का 30% क्या होगा, 0.4 का 30% क्या होगा, 0.4 का 30% क्या होगा, 0.4 का 30% क्या होगा। आराम से आप लोग पढ़ते चलिए, लास्ट में आपका सवाल लेंगे। जी आपके फेसबुक पे भी कमेंट हम देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, हम लोग को बात नहीं करना, हमें सिलेक्शन दे रहा है, हम लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद आप सबसे लाइव बात करेंगे, लेकिन पहले मन से पढ़ लीजिए। तो हम यहां देखेंगे कि हम क्या करेंगे, 0.4 का 30% निकालना है, तो इसका तरीका हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि यहां पर हो जाएगा 0.4 गुणे 30/100। क्लियर, यह लड्डू इस लड्डू से कट गया, फिर ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 माने 1/10। अब इस दशमलव को खत्म करना है तो या इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.12। तो जितने लोग का 0.12 आया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, किसी कोई डाउट जो वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहा है वो हमें जरा कमेंट करके बताए, क्या यहां तक किसी व्यक्ति व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार की कोई समस्या हुई, अगर हुई है तो हम उसे दूर करेंगे, अन्यथा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, माने ये टॉपिक क्लियर हुआ, धीरे धीरे हम आपको प्रश्न की तरफ अग्रसर कर रहे हैं जहां से आपके पास सबसे ज्यादा है। और जो वीडियो YouTube पे देख रहे हैं वो शेयर कर दें, और जो साथी Facebook पे लाइव देख रहे हैं वो सभी को शेयर कर देंगे, क्योंकि शेयर करने से सभी लोगों तक पहुंच जाएगा जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, काम का होगा पढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, और कर भला तो हो भला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नाम अंतिम में लेंगे, अभी केवल पढ़ेंगे हम लोग। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अब हम लोग एक प्रश्न और उठाएंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। 0.6% का मान होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, 0.6 का 0.6% का मान होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जवाब दीजिए, जल्दी भी कमेंट करके अपने अपने जवाब देते रहिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एकदम बेसिक गणित पढ़ाएंगे, डेली की टाइमिंग यही रहेगी, और हमारा एक ही उद्देश्य है आपको सिलेक्शन दिलाना, और हम सिलेक्शन दिलाने के लिए हर स्तर तक जा सकते हैं आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन आप वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखते रहिएगा। 0.6 का 0.6% क्या होगा, आइए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। कुछ लोग के सही जवाब आ रहे हैं, कुछ लोग के गलत जवाब आ रहे हैं, कि जवाब दिया करिए। देखिए जवाब देने से आपकी एक्टिविटी पता चलती है, इसलिए मैं कहता हूं मेरी क्लास पढ़ते समय कॉपी कलम लेकर बैठा करिए। जी हाँ, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग उन प्रश्नों का हल करिए। ठीक है जी हाँ, चलिए देखिए इसको हम हल करते हैं, जिसको हल करेंगे क्या निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.6 × 0.6 ^100। अगर ऊपर गुणा ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 0.36, दो अंक पे हो जाएगा, एक अंक दो अंक पे दशमलव लग जाएगा, 100। अब देखिए नीचे दो अंक है, 100 है, या तो इसको दशमलव खत्म करना है तो 2 अंक दशमलव बढ़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 0.0036। तो जितने लोगों ने 0.0036 बताया था उन सभी के जवाब सही थे। अब पैटर्न हम बदल देंगे, यहां तक किसी व्यक्ति व्यक्ति विशेष को कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को नहीं है, मैं प्रश्न बदलने जा रहा हूं, किसी कोई दिक्कत कोई समस्या जो है वो लाइव शेयर करते रहे, सभी एक दूसरे को शेयर कर दे, शेयर करने का पैसे तो नहीं लगते ना। अच्छा कोई कह रहा है सवाल कठिन करिए भैया, जब हम शुरुआत करें पर हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे, दो सीढ़ी चढ़ेंगे, तीन सीढ़ी चढ़ेंगे, चार सीढ़ी चढ़ेंगे, हमें तो सबको सिखाना है ना, हमें इस बात का भी तो ख्याल रखना है, सबको सिखाना है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें ये बताइए 3:1 प्रश्न जरा हल करिए आप लोग, तो 3:2 का 20% 3:2 का 20% क्या होगा, 3:2 का 20% क्या होगा, कमेंट करके बताइए, लीली जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, 3:2 का 20% क्या होगा, 3:2 का 20% क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, 3:2 का 20% क्या होगा। ये अनुपात है, ये रेशियो का चिन्ह लगा हुआ है, ये रेशियो है, ये रेशियो का चिन्ह लगा हुआ है, 3:2 3:2 जल्दी जवाब दीजिएगा,
सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट करके 3:2, मैंने 3:2 कहा है। आइए, बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है, आइए हम लोग देखते हैं सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा ये ध्यान देखते हैं। देखिए जैसे अगर दिया है a/b, इसे हम लिख सकते हैं a/b, क्या लिख सकते हैं a/b लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसे लिखेंगे 3/2 × 20 है तो 20/100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20/100 लिखेंगे। ठीक है, 2×1 = 2, 2×10 = 20, ये लड्डू से लड्डू कट गया, फिर हो जाएगा 3/10 = ये क्या हो जाएगा 0.3। तो जितने लोगों ने 0.3 बताया था उन सभी के जवाब सही थे, बाकी लोग के जवाब गलत थे। समझ में आ गया आप लोग को, क्योंकि हमने क्या देखा कि a/b को हम a/b लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई डाउट किसी को, किसी कोई समस्या हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां किसी को दिक्कत हो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहां ये डाउट हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। यहां तक क्लियर? एक प्रश्न और लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने देखा 4:5 का 120% क्या होगा, 4:5 का 120% क्या होगा। आप लोग आराम से पढ़िए, कॉपी कलम लेकर बैठिए। अब इसके बाद थोड़ा कठिनाई स्तर बढ़ेगा, फिर थोड़ा कठिनाई स्तर बढ़ेगा, एक एक करके कठिनाई स्तर बढ़ाते चलेंगे, फिर हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि अच्छे से पढ़ना तो अच्छे से पढ़िए ताकि सभी को समझ में आए और रिजल्ट देना है। जल्दी बताइए क्या होगा 4:5 का 120% क्या होगा, कमेंट करके जवाब दीजिए जल्दी। आप लोग जो फेसबुक पे लाइव हो फेसबुक पे कमेंट करें, और जो यूट्यूब पे हो यूट्यूब पे कमेंट करें, जल्दी कमेंट करके बताइए। आप लोग जल्दी कमेंट करिए, सबको बताइए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है भाई, 4/5 लिखेंगे, मैंने ऊपर बताया है। अगर a/b हो तो क्या करेंगे हम लोग, 4:5 को 4/5 लिख सकते हैं। हमने लिखा 4/5 × 120% कर रहा है, 120/100 लिखेंगे, 5 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और 24 × 96, तो हमने क्या देखा 24 × 96 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96/100, 96/100 माने 0.96, सभी का है 0.96, कमेंट करके बताएं सभी का आया 0.96। जी मैं लास्ट में बात करूंगा, सारी बातें मैं लास्ट में बताऊंगा, टाइम टेबल क्या है अभी पहले पढ़ लीजिए, मैं सभी का जवाब दूंगा अंत में दूंगा, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद। ये क्लियर हुआ 0.96 क्लियर हुआ। अब हम लोग इसके बाद नए पैटर्न पे चल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं यहां से किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा प्रश्न लिखिएगा 40 का कितना परसेंट 72 होगा, लिखिएगा 40 का कितना परसेंट 72 होगा, जल्दी जवाब दीजिएगा 40 का कितना प्रतिशत 72 होगा, कमेंट करके जल्दी जवाब दीजिएगा 40 का कितना परसेंट 72 होगा, 40 का कितना परसेंट 72 या 72 होगा, जल्दी से कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। 40 का कितना परसेंट 72 या 72 होगा, जल्दी से बताइएगा 40 का कितना परसेंट 72 होगा, सभी लोग जवाब दीजिए, कोई एक नहीं, हमें सभी को पढ़ाना है, सभी जवाब देंगे, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, आराम जवाब देते रहिए। और मैं उम्मीद करता हूं सभी के जवाब पूरी तरह से सही आ रहे हैं। देखिए मैं आपको नोट्स की जो PDF होगी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, या डेली क्लास की जो समय सामग्री है वो टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम में इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़िएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश से, तो टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, वहां पे आपको सारे टाइम टेबल और नोट्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब कह रहा है 40 का कितना परसेंट 72 होगा, माना x परसेंट, गणित तो x पर ही चलती है, किस पर, x पे, तो यहां पे होगा 40 का x प्रतिशत = 72, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, बराबर 72, क्लियर। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 40 का x परसेंट = 72, तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम यहां पे लिखेंगे 40 का × x% = x/100 = 72, क्लियर।
अब हम देखिए यहाँ पे काटना चाहे तो मैं तरीके से काट सकता हूँ, नहीं तो ये उसको पलट को उधर ले जाएंगे तो यक्स बराबर इधर है 72 रहेगा, ये हो जाएगा 100/40 तो गुणा हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 100/40। क्लियर, ये लड्डू लड्डू से कट गया, 4 × 1 = 4, 4 से कटेंगे 18 तो यक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 18 × 10 तो यक्स बराबर 180%। क्लियर, कोई किसी को डाउट? अब हम प्रश्न का स्तर और ऊपर करें, यहां तक किसी को क्लियर हुआ, कोई दिक्कत बताइए। इस प्रश्न को एक ट्रिक से हल कर सकते थे, इस प्रश्न को हम लोग ट्रिक से भी हल कर सकते थे, आइए देखते हैं किस ट्रिक से हल कर सकते थे। इस प्रश्न को हल करने का एक तरीका हम लोग और देखेंगे। देखिए कह रहा है 40 का कितना परसेंट 72 होगा, ठीक, परसेंट पूछा है, तो हम क्या करेंगे 72 में परसेंट का भाग देंगे, परसेंट क्या है 40, बदलना किसमें है परसेंट, तो हमने पढ़ा है इसके पहले लेक्चर में किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं, तो मल्टीपल 100 कर दीजिए, बस एक लाइन आपको उत्तर आएगा। ये 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे 18, 18 × 10 करेंगे 180। यह दोनों विधि आप जानते रहिएगा, यह दोनों विधि आप जानते रहिएगा, चाहे विधि ये यूज करिएगा चाहे विधि ये बेसिक है और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, दोनों विधि आप जानते रहिएगा, ये बेसिक विधि है और ये ट्रिकी विधि है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं सवाल की तरफ, अब हम लोग क्या करेंगे सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, यहां तक किसी कोई दिक्कत कोई समस्या कोई बेसिक अगर पूछ रहा हो तो पूछ सकते हैं, या हम लोग सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी कोई डाउट है कोई समस्या है कमेंट करके जल्दी पूछिए, वरना हम लोग सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं, मैंने इससे पहले चीज बताई थी कि दुनिया की हर वस्तु, मेरी बात सुनिएगा, अब हम सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, दुनिया की हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, दुनिया की हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। इस घर की लंबाई, इस बोर्ड की लंबाई, इस कमरे की लंबाई, आपकी आय मेरी आय, आपकी आयु मेरी आयु, आपका वेट मेरा वेट, किसी व्यक्ति की सैलरी, तो सभी वस्तु दुनिया में अपने आप में 100%। कोई कार की चाल 100%, साइकिल की चाल 100%, मतलब दुनिया की हर वस्तु जो होती है वो सबसे पहले अपने आप में 100% होती है। ये मेरी बात को गौर समझिएगा, तब आपको गणित की भाषा समझ में आएगी। गणित हल करना बड़ी बात नहीं है, उसके भाषा उसके संबंध जो उसकी शब्दावली होती है उसको तोड़ना वो सबसे बड़ी बात होती है। तो आइए अब हम लोग उसी की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखिएगा प्रश्न, लिखिएगा एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, उसने अपने चाल में 20% की वृद्धि कर दी, उसने अपने चाल में 20% की वृद्धि कर दी, तो कार की नई चाल क्या होगी, शायद आपको याद हो गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा, एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसने क्या किया अपने स्पीड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी, इस प्रकार कार की नई चाल क्या होगी। कोई कमेंट करके बताएगा, सवाल लिख लिया आपने तो हम इसे हल करना शुरू करें, बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे, एक लाइन में लगाएंगे। जी हाँ, जो साथी फेसबुक पे लाइव है फेसबुक पे सब कमेंट कर दें, बाकी किसी भी सूचना के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, पढ़ाते समय बात तो नहीं करेंगे हम लोग। आइए ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कार की चाल क्या थी, तो कार की चाल क्या थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा रख दिया। फिर कार की चाल में कितनी वृद्धि हुई, कार की चाल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 20%। मैंने बताया कोई वस्तु अपने आप में 100% जो 20 बढ़ गई तो क्या होगा 60 का 120% हो गया, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 60 × 120/100, ये लड्डू इससे कैंसिल, ये लड्डू इनसे कैंसिल, तो 6 × 12 = 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। क्लियर, किसी को कोई डाउट कोई समस्या आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ये समझ में आया सबको। पहले क्या थी, पहले चाल हर वस्तु अपने आप में 100% थी,
20% की वृद्धि हुई, 100 से ज्यादा होगा कम, ज्यादा हुआ तो मतलब हमने क्या लिखा यहाँ पे आपको और समझना चाहिए। यहाँ पे 60 था गुणे 20 मतलब 100 था, 20 की वृद्धि हुई तो 20 कर दिया, और पूरे का बेटा 100, कमी होती तो कम कर देते। इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, ये लास्ट में 72 किलोमीटर प्रति आवर्स मिलेगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट, किसी कोई समस्या नहीं है? चलिए अब हम प्रश्न को और आगे ले चलते हैं। अब प्रश्न फिर लिखिएगा, मैं प्रश्न को घुमा घुमा के पढ़ाऊंगा और मैं केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा ताकि किताबी भाषा जब आए तो किताबी भाषा को डिकोड करना सीखे। गणित आने का मतलब है किताबी भाषा को डिकोड करना। गणित सबको आती है, सीख के जाते हैं, जब परीक्षा हाल में जाते हैं लगे कैसे, कब सब ऊपर होगा कब सब नीचे होगा, ये माने रखता है, और यही भाषा हम आपको डिकोड करेंगे। गणित नहीं, गणित की जो भाषा होती है डिकोड करना सबसे बड़ी बात होती है, और वही हम आपको डिकोड करने के लिए आज आपके बीच लाइव हुए हैं। ठीक है, तो आगे लिखिएगा, एक सवाल और लिखिएगा। 80 रुपया प्रति केजी मूल्य के चीनी में, 80 रुपया प्रति केजी चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो गई, 15% की कमी हो गई, तो बताइए चीनी का मूल्य क्या होगा, चीनी का मूल्य क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। मैंने आपको बता दिया है कि पहले क्या था, 80 रुपया था, 15% की कमी हुई, अब नया मूल्य क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे, चाहे वो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, चाहे जहां भी लाइव देख रहे हैं, आपके जवाब जरूर आने चाहिए, और सभी को शेयर कर दीजिएगा। जो फेसबुक पे लाइव है सभी को शेयर मार देंगे, एक क्लिक किया शेयर हो गया, आपके पास जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बताइए, हम आपके नाम भी लेंगे, लास्ट में आपसे बात करेंगे क्लास खत्म होने के बाद, वरना हलवा हो जाएगा। आइए देखते हैं इस प्रकार का प्रश्न कैसे लगेगा। कह रहा है कि 80 रुपया, आपके जवाब सही आ रहे हैं, 80 रुपया प्रति केजी के दर का चीनी था, कितना कम हुआ, 15%, तो हम यहां क्या लिखेंगे गुड़े, अब हम गुड़े क्या लिखेंगे, गुड़े 115 लिखेंगे या 85, गुड़े 115 या 85, कमेंट करके बताइएगा 115 होगा या 85, सभी लोग जवाब देंगे क्योंकि गणित मुझे सबको सिखाना है। तो हमने यहां देखा यहां पे क्या होगा, 85 होगा, क्यों 85 होगा मालिक, क्योंकि कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो क्या करेंगे बट्टा 100। क्लियर, अब देखिएगा यह लड्डू से कैंसिल, क्लियर, 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे तो 4, हमें क्या मिला, 4 × 17 = 68 रुपया प्रति केजी, क्या मिल गया, 68 रुपया प्रति केजी, क्या मिला, 68 रुपया प्रति केजी। क्लियर हुआ ना, ये भाषा समझते चलिएगा, मैंने आपको क्या बताया, गणित की भाषा समझिए, गणित आप कर लेंगे लेकिन गणित की भाषा, ताकि जब परीक्षा हाल में जाए तो लगे ना अरे यार हम कैसे हल करेंगे, सर कैसे लगेगा, वहां पे जा रहे हैं सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, सर आप बताते हो समझ में आता है, जी नहीं, हम बताते हैं तो आपको गणित की भाषा समझने चलती पड़ेगी। यहां तक क्लियर हो गया, अब अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल, एक मोबाइल की कीमत, अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक मेरी बात और ध्यान दीजिएगा, मेरी गणित पढ़ रहे मेरी एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रतिशत लाभ हानि बट्टा, मैं तीनों चैप्टर एक साथ पढ़ाता हूं, देखिए सबके पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, तो जैसे सेम तरीका तीनों में है, जैसे परसेंटेज देखिए कितने कितना ध्यान मैंने बताया, परसेंटेज लाभ हानि बट्टा, उसके बाद साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, इन पांचों अध्याय को हम एक साथ पढ़ाते हैं, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं अभी आपको हल करके दिखाता हूं। लिखिएगा एक प्रश्न, 1500 रुपए का मोबाइल, 1500 रुपए का मोबाइल, 1500 रुपए का मोबाइल 1800 रुपया हो जाता है, 1500 रुपए का मोबाइल 1800 रुपया हो जाता है, तो मोबाइल के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, और अगर यही प्रश्न परसेंट लाभ हानि पूछता, पता कैसे पूछता, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक मोबाइल का क्रय मूल्य 1500 रुपया था, उसका अंकित मूल्य 1800 रुपया था, या एक दुकानदार ने उसे 1800 रुपए में बेच दिया, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। सेम प्रश्न को लाभ हानि में इस तरह से पूछता, और यहां पे
परसेंटेज में क्या कहेगा, 1500 रुपए का मोबाइल 1800 रुपए में हो जाएगा तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई। दोनों बातें ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको साथ में लाभहानि भी पढ़ा दिया। लाभहानि कैसे पढ़ा, अपने ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमने कहा कि 1500 रुपए की मोबाइल, एक दुकानदार 1500 रुपए मोबाइल खरीद कर उसे 1800 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अब आइए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं यह जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग सभी लोग तैयार है ना, आइए ध्यान से देखते हैं। तो यहां पे दरअसल नीचे देखते हैं, सब लोग सोचते होंगे सर किताब उताब से, मैं गणित पूरी गणित बिना किताब के पढ़ाता हूं, ये आपके सहयोग आपके माता पिता के आशीर्वाद से ऐसा है। नीचे देखना क्या होता है ना, जो लाइव चलता है कमेंट, उस कमेंट को देखना पड़ता है ताकि उनके भी रिप्लाई करता रहूं, ठीक है, उनके हिसाब से एक्टिविटी में बात भले ना करूं, अब कमेंट की एक्टिविटी तो देते रहना होगा इसीलिए। तो हमने ये देखा कि मोबाइल कितने का था, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही आसान भाषा बताऊंगा। 1500 रुपए का मोबाइल था, कितने में बिका, 1800 रुपए में बिका। अब हमें यह बताइए फायदा हुआ घाटा, फायदा हुआ या घाटा। पढ़ने के अलावा अगर आप कोई कमेंट करेंगे मैं तुरंत ब्लॉक मारूंगा, मैं लास्ट में आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। क्लास में पढ़ाते समय बात करूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा या आपके बात करूंगा, हर व्यक्ति का समय कीमती है, सब सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपको चैट करना हो तो बाहर जाइए, ये चैट करने का अड्डा नहीं है, पढ़ने का है। मैं आपसे बार बार कहूंगा, आप अगर मुझसे पहली क्लास पढ़े तो भी जानते हो, पहले पढ़े तो भी, लास्ट में आपके हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा। लेकिन अगर बीच में आप उंगली करके किसी को डिस्टर्ब करेंगे पढ़ने में तो हम आपको तुरंत रिमूव कर देंगे। मेरा एक ही वसूल है, चार लोग पढ़े ईमानदारी से पढ़े सिलेक्शन दे, ठीक है। हमने यह देखा कि 1500 रुपए की वस्तु 1800 रुपए में बेची जाती है तो फायदा होगा घाटा, फायदा कितने का, 300 का। आइए ध्यान समझिएगा, 300 रुपए का लाभ हुआ कितने में हुआ, कितने में हुआ। मैं कोई नियम नहीं पढ़ाऊंगा, कोई सूत्र नहीं पढ़ाऊंगा, 300 रुपए का फायदा हुआ कितने में हुआ। भाई 1500 रुपए खरीद कर 1800 रुपए में बेचेंगे तो फायदा हुआ कितने का हुआ, 300 का। कितने में हुआ, कितने में हुआ तो पता चला 1500 में हुआ, तो बटे 1500, बटे 1500 परसेंटेज के लिए गुणे 100 क्यों। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले दिन पढ़ा दिया था किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो क्या करेंगे, गुणे 100। बस इसी को हल करना था, बस इसी को हल करना, और जैसे आप इसे हल करेंगे आपको तुरंत उत्तर आएगा। कैसे, देखिए ये लड्डू, ये लड्डू से कट गया, ये लड्डू, ये लड्डू से कट गया, फिर 15 का 15, 15 दूना 30, बचा 2 0, हो जाएगा 20%। तो कितने का लाभ हुआ, 20% का। चाहे लाभहानि में पूछता चाहे परसेंटेज में पूछता, आपने डिकोड किया। हमने क्या किया, ये 1500 रुपए का सामान 1800 में बेचा, फायदा हुआ कितना, 300 का। कितने में हुआ, 1500 में, परसेंटेज के लिए गुणे 100, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा है किसी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, क्लियर। इसका उत्तर क्या होगा, 20% का वृद्धि हुई या 20% का लाभ हुआ। अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अब वो समझ लीजिए, तीन भाषा में प्रश्न पढ़ाऊंगा, तीन भाषा में, उसके लिए तीन किताबों में तीन तरह से आप पढ़ेंगे, ठीक है। आइए मैं आपको पढ़ा देता हूं, चलिए लिखिएगा प्रश्न, सभी लोग लिख लीजिएगा, जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हो फेसबुक पे शेयर कर देंगे, और जो यूट्यूब पे लाइव देख रहे हो यूट्यूब पे शेयर कर देंगे सभी को, ठीक है। आइए ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। मैंने आपको बताया ना, गणित पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, गणित को समझाना मैं तीन अध्याय एक साथ पढ़ाऊंगा, लिखिएगा। 2100 रुपए का एक रेडियो, 2100 रुपए का एक रेडियो 1995 रुपए में बिकता है, 2100 का एक रेडियो 1995 रुपए में बिकता है, तो बताइए कि रेडियो के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई। तो पहला प्रश्न किसमें था, पहला प्रसत्ता पे, मैंने किसमें बोल दिया प्रसत्ता पे, इसी को दूसरी भाषा में लिखेगा, सेम प्रश्न दूसरी भाषा में। एक दुकानदार परसेंटेज में हो गया, अब लिखिएगा लाभ हानि में, यही प्रश्न लाभ हानि में बोल रहा हूं। एक दुकानदार 2100 रुपए मूल्य की, 2100 रुपए मूल्य की एक रेडियो 2100 रुपए की एक रेडियो 1995 रुपए में बेचता है तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई। ये टॉपिक नंबर 2, ध्यान समझिएगा, दो भाषा का प्रश्न हो गया, एक लाभ हानि में बोला, दूसरा मैंने किसमें बोला परसेंटेज में, तीसरा एक दुकानदार 2100 रुपए के सामान पर
कुछ बट्टा देने के बाद कुछ परसेंट का बट्टा देने के बाद उसे कुछ परसेंट का बट्टा देने के बाद उसे 1995 रुपए में बेचता है तो कितने परसेंट का बट्टा दिया, तो दुकानदार ने उसे कितने परसेंट का बट्टा दिया। अब सोच लीजिए, तीनों प्रश्न एक ही, तरीका एक ही, लेकिन इसमें तीन अलग अलग अध्यायों पढ़ते थे, परसेंटेज में अलग, लाभ हानि में अलग और बट्टा में अलग, तो डिस्काउंट में अलग। तो चलिए आइए हम इसके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अगर बेहतर लगे तो शेयर करिएगा, लेकिन डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम में इंस्टॉल करके सर्च करिएगा दुर्गेश सर। अगर हमारी वीडियो फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश पे देख रहे हैं उसे लाइक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ये लर्निंग विद दुर्गेश और स्टडी विद दुर्गेश दो चैनल है, दोनों चैनल पर आपको वीडियोज मिलते रहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा देखा यहाँ पे, अब हमें एक ही बात समझना है कि वस्तु कितने की थी, 2100 रुपए की थी, कितने में बिकी, 1995 रुपए की बिकी। फायदा हुआ या घाटा, फायदा हुआ या घाटा, नुकसान हुआ। ठीक है भैया, नुकसान हुआ कितने का हुआ, 105 रुपए का नुकसान हुआ, मैंने माइनस में, नुकसान हुआ मैंने माइनस में, कितने में हुआ, 2100 रुपए में हुआ, परसेंटेज के लिए 150। यहां तक तो आप उम्मीद करते हैं सभी जानते होंगे। अब देखिए, यह दो लड्डू से कट गया, 21 21 25 95 माइनस 5, ये क्या आएगा, माइनस 5% माने 5% की कमी, 5% की हानि या 5% का बट्टा। कॉन्सेप्ट क्लियर या किसी को कोई भी डाउट है, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकता है। अब चाहे ये परसेंटेज पूछे, चाहे अब ये लाभ हानि पूछे, चाहे ये बट्टा पूछे, क्या हमने किसी सूत्र का प्रयोग किया, क्या हमने किसी भी सूत्र का प्रयोग किया, क्या हमने किसी भी सूत्र का प्रयोग किया। यहां पे प्रश्न को तीन भाषा मैंने पढ़ा, पहला क्या देखा कि 2100 रुपए की वस्तु 1995 रुपए हो गई, कितने परसेंट की कमी हुई, सेक्शन नंबर एक। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा लाभ हानि में, पढ़ा कि एक दुकानदार 2100 रुपए के सामान को 1995 बेचता है, उसे कितने परसेंट की हानि हुई। तीसरा हमने पढ़ा टॉपिक नंबर तीन इसी प्रश्न को कि एक दुकानदार 2100 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु को 1995 रुपए में देने का वादा करता है तो कितने परसेंट का बट्टा दिया। तो एक बट्टा पे हो गया, लाभ हानि पे हो गया, परसेंटेज पे हो गया। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं क्या सभी को समझ में आ गया। अगर आ गया है तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, बताएं आप लोग, सभी लोग कमेंट करके बताएं। बताएं आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएं कि क्या आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया इस वीडियो को शेयर करिएगा और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च करिएगा दुर्गेश, सर्च करके करिएगा दुर्गेश। अब हम और सवाल बोले, तीनों चैप्टर से सवाल बोलेंगे, हमें तीनों अध्याय सवाल बोलेंगे, लेकिन सवाल एक ही होगा। आगे बोले, अगर आप लोग तैयार हो तो आगे बोला जाए। आगे बोले, सवाल तैयार है आप लोग लिखने के लिए, आगे लिखिएगा। गणित बहुत ही आसान है, ये तीन चैप्टर अलग नहीं पढ़ना होगा, एक ही साथ हम तीनों चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी इसी में हम लाभ हानि पढ़ा देंगे, अभी हम परसेंटेज पढ़ा देंगे, वो परसेंटेज में चक्रवृद्धि साधारण ब्याज अभी आगे पढ़ाएंगे। परसेंटेज पूरा खत्म होते होते हम इसमें अभी मेंसुरेशन भी पढ़ाएंगे। आप आश्चर्य मत होइएगा, मेंसुरेशन जो डेढ़ पन्ने में सवाल लगती है वो आप एक एक लाइन में लगाएंगे। अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा, 80 रुपए किलो की सॉरी मत लिखिए, मैं बता रहा हूं, फिर से लिखिएगा। एक वस्तु के मूल्य में 20% के वृद्धि के बाद, एक वस्तु के मूल्य में 20% के वृद्धि के बाद, वह 20% के वृद्धि के बाद वह वस्तु 720 रुपए में बिकती है, कितने में, 720 रुपए में बिकती है। तो बताइए वस्तु का मूल्य क्या था। प्रश्न को ध्यान समझिएगा, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बाद 720 रुपए में बिकती है तो वस्तु के मूल्य कितने का था। अब इसी प्रश्न को लाभ हानि में, देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% का लाभ लेने के बाद, उसे 720 रुपए में बेचता है, 720 रुपए में बेचता है तो वस्तु का
क्रय मूल्य क्या था, ये हो गया आपका लाभ हानि। तीसरा, चलिए ये दो टॉपिक पे लगाइए, तीसरा छूट होता तब बट्टा लगता। चलिए अब इसको हल करिए, क्या आप लोग हल कर लेंगे, क्या आप सभी लोग हल कर लेंगे? जितने लोग लाइव हैं सभी लोग कमेंट करके बताएं। जी हाँ, सभी के जवाब सही आ रहे हैं, सब लोग कमेंट करके बताएं कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। और ऑनलाइन क्लास और नोट्स के जुड़ने के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब उस वस्तु को पता नहीं कितने का था, और गणित में जब कुछ नहीं पता होता है तो माना, जब गणित में कुछ नहीं पता होता है तो माना क्या, माना कुछ भी, माना माना यक्स, क्या माना, माना यक्स। तो यक्स का माने गुणा, यक्स का 20% की वृद्धि हुई, मानिए कितने बिकेगा, 120 बटा 100 में बिकेगा। अब कितने बिका, 720 का बिका। मतलब वस्तु कितने की थी पता नहीं, जहां कुछ नहीं पता होता वहां पे हम यक्ष मानते हैं। यक्ष मान लिया, 20 की वृद्धि हुई। मैं शुरू से पढ़ाता रहा हूं, वृद्धि माने 100 से ज्यादा, कमी माने 100 से कम। क्लियर? अब देखिए ये उधर जाएगा, या तो यहां भी काट सकते हैं। देखिए यहां पे कैसे काटेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक तो मैं पलट देता हूं, यक्ष बराबर 720 गुणे 100 ऊपर हो जाएगा और 120 नीचे हो जाएगा। क्लियर? अब हमने क्या किया, ये जीरो इस जीरो से कट गया, 12 का 12, 12 6 72 बराबर 600 रुपया। क्लियर? दूसरा तरीका यहीं पे काट देता, दूसरा तरीका मैं यहीं पे काटूंगा। कैसे काटूंगा देखिएगा, यह लड्डू इस लड्डू से कट गया, या ऐसे मत कट गया, यह लड्डू इस लड्डू से कट गया, 12 का 12, 12 6 72, 100 बटे में उधर जाए गुड़े में, 6 गुड़े 100 करेंगे तो 600। ये हो गया लगाने का दो तरीका। एक तरीका मैं और बता रहा हूं इसे हल करने का, मैं एक तरीका और बता रहा हूं। इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। मैं एक तरीका आपको और बता रहा हूं, वो आइटिक नियम का तरीका है। उस तरीका को भी हम लोग लाभ हानि और बट्टा के सवालों में यूज करेंगे, इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको वह भी विधि बता रहा हूं, मैं आपको वह विधि भी बता रहा हूं। इसके स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, मैं आपको वह विधि भी बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए, कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को जब 20% की लाभ पर बेचता है, या जब 20% अधिक लेता है, माने जब वो वस्तु को 120% पर देता है, जब वो वस्तु को 120% पर देता है, तब कितने का बेचता है, 720 का। क्लियर? किसी कोई डाउट, किसी यहां से कोई डाउट, यहां से किसी व्यक्ति कोई डाउट, यहां से किसी व्यक्ति कोई डाउट। अब देखिए, जब 120% बराबर 720, तो 1% बराबर 720 बटा 120। अब जो कोई सी वस्तु का ये हो गया 1%, ये क्या निकल गया, 1% आइटिक नियम पर लगाया है। अब हम ये जानते हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कई परसेंट होती है, दुनिया की कोई वस्तु, दुनिया की कोई चीज अपने आप में कई परसेंट होती है। मैंने पढ़ाया है दुनिया की कोई भी वस्तु हो वो अपने आप में 100% होती है। अगर आपको 100% निकालना है तो गुड़े 100% निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यह जीरो से कट जाएगा, 12 6 72, 6 गुड़े 100 करेंगे तो क्या होगा, 600। कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी डाउट, किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, सवाल लिखिएगा, इसके आगे हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे, फिर आपके कमेंट हम लेंगे, ठीक है? तो चलिए इसके आगे लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। एक वस्तु के मूल्य में 15% की कमी के बाद, 15% के कमी के बाद ₹765 में मिलता है। एक वस्तु के 15% की कमी के बाद ₹765 में मिलता है, कितने में, वस्तु में क्या है, ध्यान से देखिएगा, 15% की कमी के बाद कितने में मिलता है, ₹765 में मिलता है। तो वस्तु का मूल्य क्या था, तो वस्तु का मूल्य क्या था, यह हो गया परसेंटेज का सवाल। दूसरा सवाल लाभ हानि का, एक दुकानदार एक वस्तु को
15% की हानि पर 765 रुपए का बेचता है, 15% की हानि पर 765 रुपए का बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अगला तीसरा प्रश्न, मतलब तीसरा टॉपिक बनेगा, मैं तीन टॉपिक के प्रश्न पढ़ा रहा हूं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% का बट्टा देने के बाद, 15% का बट्टा देने के बाद 765 रुपए को बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। अब आप सोचिए, यह तीन तरह के प्रश्न तीन अध्यायों में तीन बार हम लोग पढ़ते, लेकिन आज आपका एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो सबसे बड़ी बात है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना, सवाल लगाना बड़ी बात नहीं, वो तो आप लगा लेंगे, अच्छी अच्छी किताबों मिलेगा, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो सबसे बड़ी बात है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक गणित नहीं सीख पाएंगे। हमने जब तक कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं पूरी गणित बिना किताब के पढ़ाता हूं, आप हमारे साथ पढ़ते रहेंगे पूरी किताब बिना, आज नहीं मेरी 3 साल पुरानी वीडियो उठा के देखेंगे, मैं बिना किताब के पढ़ाता हूं, चाहे कोई भी सर पढ़ाऊं। इसका कारण यह है कि मैं उस पर, जब तक हम उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते तब तक हम नहीं पढ़ा सकते, आप भी नहीं पढ़ा सकते। आइए, आप सभी को उत्तर सही आ रहे हैं, फिर भी मैं लगा देता हूं। यहां पे हमने क्या देखा कि वस्तु कितने की थी, माना 100 रुपए की थी, कितने परसेंट कमी हुई 15, जब 15% कमी क्या हो जाएगा 85/100, कितने के बिका 765 का, तो यक्ष बराबर, तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 765/100/85। क्लियर। अब इसको काटना है चाकू से, भैया चाकू से काटना आपकी जिम्मेदारी है, 5 से पहले काटेंगे, किससे आपका 17 से 17/85, 17 से 17/5 17 चौका 68, 4 हुआ, फिर 17/5 85, 5 5 1 5 5 9 45, ऊपर क्या बचा 9 × 100 = 900। क्लियर। दूसरा तरीका इसका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भैया वस्तु का कितने का है 765 का, तो 765 रुपया, परसेंटेज से भाग देंगे, जितने परसेंट कमी हुई कितना 85 बचा, 85 से भाग देंगे परसेंट के लिए गुणे कुल दाम के लिए गुणे 100 कर देंगे, ठीक है, ऐसे भी लगाएंगे तो भी आपका उत्तर कितना आएगा 900 वाला। यह आपका ट्रिक हो गया और यह आपका वही मेथड हो गया, ये मेथड सीखिएगा, यही मेथड हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें कई अभी कई टॉपिक को इंक्लूड करना है ना। आप ये मत सोचिएगा सर ये तो यहाँ पे बड़ा लग रहा है मुझे यही पढ़ाइए, इससे मैं आने वाले सभी अध्याय को इसी में जोड़ दूंगा, इसी टेक्निक पे, और आप एक टेक्निक सीखेंगे, बार बार आपको तैयारी नहीं करना पड़ेगा, मैंने एक ही फॉर्मूले पे सारे कॉन्सेप्ट हम आपके क्लियर कर देंगे। अब हम यहां तक कितने लोग को समझ में आ गया वो वाई कमेंट करेंगे, जितने लोग को नहीं समझ में आएगा वो यन कमेंट करें, ताकि मुझे ये बात विदित हो जाए, जिनको समझ में आ गया वो वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो यन टाइप करेंगे, ठीक है। अब जल्दी टाइप करके हमें बताइए ताकि हम लोग आगे बढ़े। यहां तक किसी व्यक्ति को दिक्कत हुई, पढ़ने में कोई समस्या आई हो तो कमेंट करके बताएं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। यहां तक किसी व्यक्ति व्यक्ति विशेष को कोई दिक्कत हुआ हो तो बताएं, मैं एक बार क्लास को पूरी तरह से रिविजन करता चलूंगा, ठीक है। आइए, जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जी हाँ, आइए मैं एक बार रिविजन करता हूँ सारी मैथमेटिक्स को, जितना हम लोगों ने पढ़ाया हम आपका सब रिविजन करते हैं। हमने शुरुआत यहां से की, हमने शुरुआत की कि 80 का 40%, तो किसी का परसेंट निकालने के लिए 80 का 40% माने परसेंट, जब किसी पद या अक्षर की दाएं तरफ परसेंट का चिन्ह लग जाता है उसका बटा 100 होता है, 40/100, इसका उत्तर क्या आया 32 आया। फिर हमने पढ़ा 400 का 20% का 20%, तो फिर क्या हुआ 400 का 20% माने 20/100 × 20/100 हमने काट दिया तो 16 आया। फिर हमने पढ़ा 150 का 150%, तो कितना आया 150 × 150 × 100, तो 225। फिर हमारे लोग आगे पढ़ा कि 0.4 का 30% क्या होगा, तो हम लोगों ने गुणे 30/100 किया, काट दिया 0.12 आ गया। फिर 0.6 का 0.6% ज्ञात किया, तो 0.00036 आ गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोगों ने क्या देखा, फिर यहां पे देखा 3:2 का 20%, किसी भी अनुपात को भिन्न में ले सकते हैं, जैसे a/b = a/b, तो 3/2 × 20/100 किए। फिर 4:5 का 120% निकाला। फिर हम लोगों ने 40 का कितना% 72 होगा यह हमने देखा, तो 40 का x% 72 होगा, तो x परसेंट माने 40 × x/100 = 72, तो x बराबर कितना आ गया आपका 180 आ गया, या 72/40 × 100 किया 180 आ गया। फिर हमने देखा 60 का 120% क्या होगा, तो हम लोगों ने सवाल लिखना शुरू किया, हमने लिखा यदि एक कार
60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलती थी, उसकी गति में 20% की वृद्धि हो जाए तो कार की नई चाल क्या होगी? या इस एक वस्तु का मूल्य 60 रुपया था, उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो वृद्धि के बाद वस्तु कितने का होगा? या एक दुकानदार 60 रुपए की एक वस्तु में 20% का लाभ लेकर वस्तु का अंकित मूल्य अंकित करना चाहता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो 60 × 120/100। सोचिए, एक ही सवाल को हम तीन भाषा में डिकोड करके पढ़ा रहे हैं, एक सवाल को तीन भाषा में, यह आपके लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा? फिर हमने देखा कि एक 80 रुपए की एक वस्तु में 15% के कमी होने के बाद वस्तु का मूल्य क्या होगा। फिर हमने इसे लाभ हानि में पढ़ा कि एक वस्तु 80 रुपए का है, एक दुकानदार उसे 15% की छूट या हानि पर देता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो आपका यही विधि निकलेगा, मतलब 80 × 85/100, 300 का। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस टेक्निक को पढ़ लिया। फिर यहाँ पे हमने तीन तीन तरह सवालों को हल किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गई। आज के टॉपिक यहाँ पे खत्म। इसके बाद कल हम लोग इसके बाद एक नई सेशन की शुरुआत करेंगे और नए नए अध्याय को सीखेंगे, नए नए ट्रिक को सीखेंगे, जहाँ एक ट्रिक से हम कई तरह के प्रश्न को हल कर सके। क्योंकि गणित के लिए गणित की भाषा सबसे मूल है। जब तक गणित की भाषा आपको समझ में नहीं आती, तब तक आपको पढ़ना और हमें पढ़ाना दोनों हमारे और आपके लिए बेकार है। ठीक है, तो आप अपने जवाब, अपने सवाल दोनों चीजें पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि क्लास खत्म होने के बाद आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगा हो तो अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके जुड़े रहिएगा, दुर्गेश सर सर्च करिएगा और ई लर्निंग भी दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 से जुड़े हैं। अगर फेसबुक यूजर हैं लर्निंग विद दुर्गेश और इंस्टाग्राम लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर लर्निंग विद दुर्गेश, ऑनलाइन क्लास और नोट्स सभी चीजें आपको उपलब्ध है। डेली क्लास पढ़ते रहिएगा, हर कर हर हर मैदान फतह। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए। परसेंटेज की महत्वपूर्ण अध्याय जो आपको लाइव क्लास के रूप में मिल रही थी और ये पेड क्लास के लिए थी, लेकिन फिलहाल आप लोग भी इसे देख रहे हैं, कोई बात नहीं। इसके साथ साथ नोट्स भी तैयार करते चलिए, नोट्स बनाते चलिएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, लर्निंग विद दुर्गेश से, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर लर्निंग विद दुर्गेश, उस पर जुड़े रहिएगा और अपने फीडबैक हमें उपलब्ध कराते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।